हम इसके लिए तो अच्छी बात है कि हमारा स्मार्ट सिटी में आ जाए, स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, रंग ओवर होना चाहिए। मगर पहले तो उनको कॉलोनी की तरह देखना चाहिए। हमारे यहाँ अलवसवा कॉलोनी है, शाहीन कॉलोनी है, यहाँ जो हमारा EDC ऑफिस है, EDC ऑफिस के वाले पिछले वाले जो गली है वहाँ देखिए उनकी हालत क्या है। अगर पहले कॉलोनी की हालत ही नहीं है तो स्मार्ट सिटी में क्या करेंगे हम। स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए हर फैसिलिटी। पहले तो ड्रेनेज को ठीक करनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और टाइल्स तो बाद में हो जाएंगे, मगर पहले तो बेसिक होना चाहिए। और लाइट, पर्टिकुलरली लाइट्स जो है, आप इस माघव रूट की तरफ देखिए, चंगी साइड देखो, कोई लाइट नहीं चल रही है। चाहे हमारा चौक में देखो, चौक की हालत क्या थी पहले, अब देखो वो कहाँ है, वो TV कहाँ चल रहा है, वो मामला कहाँ है। चाहे हस्पताल रोड है, अभी सोलर लाइट का सिस्टम अच्छी नहीं चल रहा है। हम उसके खिलाफ नहीं है, मगर अच्छी बात है, चले। और पहले कॉलोनी की तरफ देखे, कॉलोनी की तरफ आप ध्यान दें, गलियों की तरफ ध्यान दें हमारा, की फिर स्मार्ट सिटी तो ठीक है, बराबर है बिल्कुल। ये तो लग रहा है कि काम जीरो हो गया है, क्योंकि अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 7 महीने भी नहीं हुए हैं कि वो कुछ भी नहीं है वहाँ रहा है। अभी वो फुहारे हुए हमने देखी ही नहीं कभी, वो TV का सिस्टम अभी कुछ है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गया। और जो वो लाइट्स लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, बैरक्स लगा रहे हैं, या चौक एक दो बना रहे हैं, ठीक बात है, बनाने दो तो, मगर कम से कम ये लाइट सिस्टम का होना चाहिए, कम से कम ये सोलर सिस्टम होना चाहिए। अगर आम बिजली नहीं है तो कम से कम सोलर तो उनको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बोल कूड़ा करकट जो भी सिटी का है, जो भी हमारा हंदवारा का है, वो वहीं है। कहाँ है वो डंपिंग साइट उनकी, कहाँ बन गया वो? अभी तो पिछले 4 साल से हम यही दे रहे हैं कि डंपिंग साइट हमने सिलेक्ट करी है, काम इसका शुरू हो गया, टेंडर आउट हो गया है, और कुछ भी नहीं हुआ। पिछले दोनों DC मैडम ने भी 2 रिव्यू मीटिंग ली, पिछले DC साहब से नहीं ली, हम शुरू करेंगे, मगर अभी भी ये नहीं है। जब सभी क्लीननेस पूरी नहीं है तो इसको क्या करेंगे, टाइल लगाने के क्या क्या फ़ायदा है। शिवीन साहब, पहले आपका चैनल का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और साथ साथ ये कहूँगा, जितना स्मार्ट टाउन की पिछले 1 साल से हम बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत इस पर काम चल रहा है, फुटपाथ का काम चल रहा है इस पर, मगर इस वक्त अशद ज़रूरत है हमें स्ट्रीट लाइट की। जो स्ट्रीट लाइट पिछले 3 साल से हम सफ़र कर रहा है, इसमें 2-3 बार लगाया म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में, वो साथ साथ ही फलाफ हुआ, उसी टाइम फलाफ हुआ। हम DC साहब से मुतबना गुजारिश करता हूँ कि जो लाइट लगा हुआ है, पहले स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए। और यहाँ पर एक बड़ा इशू है, डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग सिस्टम जनाब यहाँ पर है नहीं, हमें ना कुपवारा ना हंदवारा में, तो इस पर पहली इसमें तैयारी पर होना चाहिए। डंपिंग सिस्टम कहीं ना कहीं पे लगना चाहिए, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। यही बात है, उसमें शायद 94 लाख रुपया निकला है। शमीन साहब आपने बहुत बड़ी बात कहा, उसमें 94 लाख रुपया निकला, मगर जो उसमें फाउंटेन है, जो उसमें लाइटें हैं, वो बिल्कुल 94 लाख लग रहा है, वो ज़ाया हुआ। वो हमारा लोगों का, हमसे टैक्स का पैसा, गवर्नमेंट जो अच्छा खासा पैसा उस पर चौक पे लगाया है, वो पैसा मेरे ख्याल में ज़ाया हो गया है। ना उसमें जनाब शमीर साहब लाइटें चल रहा है इस वक्त, ना उसमें कुछ पानी का वो फंवार चल रहा है, वो लग रहा है 94 लाख रुपया उसमें ज़ाया हो गया। मैं इसमें अदबन LG इंतजाम को मुतबना गुजारिश करता हूँ, इसमें आप ज़ाती देखें जनाब, जो 94 लाख रुपया हमारे चौक में जो खर्चा आया फाउंटेन के लिए, उसमें लाइटिंग है, उसमें बाकी चीज़ें ब्यूटीफुलिटी, मगर लग रहा है वो पैसा ज़ाया हो, उसमें सिर्फ डॉग बैठ रहा है, कुत्ता बैठ रहा है, और कुछ नहीं वो लग रहा है, वो हमारा 94 लाख रुपया ज़ाया कर दिया। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, पानी हर पे आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। शमीम साहब ये भी बहुत बड़ी बात कहा आपने, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ जो हंदवारा की बात कर रहा है, मार्केट की बात कर रहा है, पिछले 3-4 सालों से म्यूनसिपलिटी यहाँ में ड्रेनिंग में कोई तवज्जो नहीं दिया है। R&B डिपार्टमेंट में कोई तवज्जो नहीं दिया, इरीगेशन डिपार्टमेंट में कोई तवज्जो, सब डिपार्टमेंटें मिलाकर ड्रेनेज सिस्टम का बहुत हमें परेशानी। यहाँ पे एक दिन क्या 1 घंटा बारिश पड़ता है, यहाँ पानी बिल्कुल सैलाब जैसी सूरत बनते हैं। अदबन आपकी गवर्नमेंट निज़ाम से मुतबना गुजारिश करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर मैडम जी से ना हम मुतबना गुजारिश करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम इस चीज़ में बहुत सफ़र कर रहे हैं। मैडम जी, जब 1 घंटा बारिश पड़ता है यहाँ, तो यहाँ पानी का सैलाब जैसी सूरत बनता है, ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पर बिल्कुल निज़ाम दरहम बरहम है, और इस पर तवज्जो देना चाहिए गवर्नमेंट। साफ तारीख देखो, साफ सारी ये कहता है, जब म्यूनसिपलिटी के पास जाता है, वो हमारे पास कहता है हमारे पास 8 ही बंदे हैं कर्मचारी जो सफाई सुथरे करने वाले हैं, मगर वो हमारा काम नहीं है। वो आपने प्राइवेट में आपको बंदा इसमें कोई एडजस्टमेंट करे, कुछ भी करे, मगर साफ़ सुथरा रहना चाहिए मार्केट, मगर उतना साफ़ सुथरा मार्केट नहीं है जितना आज म्यूनसिपलिटी हमें डाइंग करता है शॉपकीपरों को माल उठाने में। मगर इनको कुछ बेसिक फैलाना राइट्स भी हैं, ये दे क्या रहा है, ये हमारे साथ इतना अच्छा खासा पैसा है, वापस क्या दे रहा है ये? ना तो यहाँ यूरिन पॉइंट कहीं भी, आप जनाब यहाँ कैमरा देखे, चौक से ले रहे हैं साउथ मार्केट तक, चौक से लेकर राजवाड़ अड्डे तक, चौक से लेकर पुलिस स्टेशन रोड, चौक से ले जनाब मेन बस स्टैंड मेन रोड, यहाँ पे यूरिन पॉइंट है नहीं। ऊपर से म्यूनसिपलिटी बहुत बड़े दावा दे रहे हैं यूरिन पॉइंट हमारे मार्केट में नहीं है, पब्लिक वाटर पॉइंट नहीं है। जो कुछ पब्लिक पॉइंट हैं, जो कुछ वाटर पॉइंट है, वो ट्रेडर्स फेडरेशन ने लगाया है, अदरवाइज मुझे लग रहा है ये फिलाप है, ये कोई धोखा दे रहा है।